लड़ाई अभी ताजा हुई है और यो तो हारा थका हमारे चपेट में आ जाएगा। जब पाकिस्तान के गड़गड़ी उठी और हरिराम जी सरपंच डेरोली जाट से 100 रुपए दे रहे उनका बार बार हार्दिक धन्यवाद। जब पाकिस्तान का गड़गड़ी आई ना तो सजनों एक बात बड़े गजब की है, क्या कि एक जो टैंक था पाकिस्तान का ये लोग कह दिया करते हैं, अरे बोले ये पाकिस्तान वाले नू काबू में नहीं आवे, क्यों बोले ये आत्मघाती हमला करते हैं। क्या करते हैं आत्मघाती, मतलब पैर के जांग के किता बम बांध के लावे हैं और हमारी जो बैठे रहते हैं लोग उन मां करके घुस जाते हैं और वहां पर बम फट जाता है, लोग मारे जाते हैं। सजनों आपको मैं बता देना चाहता हूं, शायद आपको ध्यान होगा, सर 65 को याद कीजिए कि जब एक टैंक जो पाकिस्तान का बड़ी ऊंचाई पर था, ये बातें सब नहीं बता दिया करते कि एक टैंक जो पाकिस्तान का बड़ी ऊंचाई पे था वहां पर हमारे गोले नहीं पहुंच रहे थे और एक जो मेजर साहब थे वो आकर के कहने लगे, अरे बोला भैया जंग तो कोना जीती जा, क्यों अरे बोला यो टैंक जब तक नहीं टूटेगा हमारी पार बसावे नहीं। तो एक सैनिक आता है सजनों, हमारे बीच का सैनिक और कहीं का नहीं, हरियाणा में लाढ़ोत गांव है, मेजर हवा सिंह, वो आता है और क्या कहता है सजनों कि सीओ साहब इस टैंक को हम तोड़ेंगे। अरे बोला उड़े हमारा कोई घोड़ा तो कोने पहुंचता, फिर यो किस कैसे टूटेगा टैंक। सजनों ये आत्मघाती हमला किसने सिखाया, समझ में आ गया होगा ना, इनको ये आत्मघाती हमला किसने सिखाया, ये हमारे भारतीयों के दिमाग की उपज है और कहीं नहीं। बोला सीओ साहब उड़ा घोड़ा तो कोने पहुंचता पर उड़े एक घोड़ा लेकर जाना पड़ेगा। और अब बोला यो काम कौन करेगा, दम निकल गई, बोला और कौन करेगा, हम करेंगे, हम और कितना दूर तलावांगे। सजनों वो लाढ़ोत गांव का मेजर हवा सिंह अपनी कमर के घोड़ा बांधता है और पहुंच जाता है उस टैंक के नीचे, घुस जाता है और बम फटता है और टैंक उड़ जाता है और हमारे देश के जो सैनिक हैं वो जीत जाते हैं। सच्ची आत्मा तो एक बार बता दियो, अगर आपके बीच में तो कोई आरामजादा आ जानू छड़े की खाल नहीं तारी जागी ना निकल जाएगा हमारे बीच से। अरे हमारी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है ना वो बड़े ऊंचे लेवल की है सजनों, हम अपना तन मन धन दौलत कर दिया करते इस मातृभूमि के लिए। और सजनों तब वो 65 का युद्ध जीता गया कि मेजर हवा सिंह अपना आत्मोत्सर्ग कर गए खुद अपने घोड़ा बांध करके। ऐसे हमारे वीर सपूत और कैसे कवि ने क्या लिखा, अब हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। नू बोला इब तो वीरमानी है, इब मौका लग गएगा, वीरमानी के कर सके है। और ये समझ करके कि इस भारत देश की जो प्रधानमंत्री है वो एक औरत है और ये समझ करके लड़ाई छेड़ी थी, हुआ क्या वो कैसे क्या लिखा। भाई नारी समझ के दई छेड़ लड़ाई, इंदिरा गांधी की दुनिया
भाई शरीफ नाम अपना बतलावे, शरीफ नाम